हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में, जिसका नाम है वेस्टेज विजन। जैसा कि आप सभी को वीडियो का थंबनेल देखकर ये पता लग गया होगा कि आज हम पूरे वर्ल्ड के लोगों की एक कॉमन प्रॉब्लम पर डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि अनिद्रा है, या जिसे हम आइसोमनिया या स्लीप डिसऑर्डर के नाम से भी जानते हैं। आज के टाइम में हर तीसरे पर्सन की ये प्रॉब्लम है कि वो कभी चैन से पूरी नींद नहीं ले पाता। जिस तरह से अच्छा भोजन करने से हमारी बॉडी को एनर्जी और पावर मिलती है, उसी तरह से एक अच्छी व भरपूर नींद हमारे दिमाग को एनर्जी व फ्रेशनेस प्रदान करती है, जो कि हमारी पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है। कहने या सुनने में तो नींद न आने की बीमारी एक बहुत छोटी सी बात लगती है, पर ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है। सिर्फ ठीक से नींद न लगने के कारण हमारे शरीर में समय के साथ साथ कई गंभीर बीमारियां पनपने लगती हैं। ये प्रॉब्लम्स अलग अलग तरह की भी हो सकती हैं, जैसे कुछ लोगों को बिल्कुल नींद नहीं आती, कुछ लोगों को कच्ची नींद आती है, यानी सोने के बाद भी रह रहकर उनकी आंखें खुलती रहती हैं। कुछ लोगों को बहुत देर से नींद लगती है, यानी कि वे लेटे हुए हैं, करवटें बदलते बदलते कई घंटे बीत जाते हैं, तब कहीं जाके उन्हें नींद लगती है। और कुछ लोगों की नींद बहुत जल्दी खुल जाती है और फिर दोबारा नींद नहीं आती। इन सभी स्थितियों में नींद अधूरी ही रह जाती है। तो चलिए अब कुछ और प्रॉब्लम्स के बारे में जान लीजिए, जो कि नींद नहीं आने के कारण हमें होती हैं। आँखों में सूजन और आँखों के आसपास काले घेरों का बनना, समय से पहले आँखों की दृष्टि का कम होना, बालों का टूटना व गिरना, मस्तिष्क के साथ साथ त्वचा पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है, त्वचा का काला पड़ना, सेक्सुअल हॉर्मोन्स में कमी आना, स्वभाव में आलस और चिड़चिड़ापन का बढ़ना, ब्लड प्रेशर का बढ़ना, याददाश्त का कमजोर होना और कॉन्सेंट्रेशन पावर का कम होना, यानी ध्यान लगाने या केंद्रित करने में दिक्कत आना, शरीर में हमेशा थकान रहना व कम फुर्ती, माथे में हमेशा दर्द रहना, नींद न आने से इम्यून सिस्टम पर भी बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है, जिससे हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होने लगती है। वैसे तो हमारी नींद को प्रभावित करने वाले कई कारक हैं, उनमें से कुछ ये हैं: गलत खानपान, अधिक स्ट्रेस या तनाव का होना, सोने के टाइम टेबल में गड़बड़ी, अधिक चाय या कॉफ़ी जैसे नींद कम करने वाली चीज़ों का सेवन करना, दिन में सोना व सोने से पहले फ़ोन चलाना, इत्यादि नींद न आने के कुछ मुख्य कारण होते हैं। आप रात में सोने की कोशिश करते हैं और बुरी तरह थके हुए भी होते हैं, इसके बावजूद आपको नींद नहीं आती। ये तो आपने जाना कि अनिद्रा की समस्या हमें क्यों होती है और इससे क्या प्रभाव पड़ते हैं, तो चलिए अब इसके उपचार के बारे में जानते हैं। देखिए, सबसे पहला उपचार तो यह है कि आपको थोड़ा समय योगा और एक्सरसाइज करने के लिए इस्तेमाल करना होगा। इससे आप फिजिकली तंदुरुस्त रहेंगे, जो कि आपको एक अच्छी नींद दिलाने में आपकी मदद करेगा। और इसके उपचार के लिए आपको वेस्टेज कंपनी के ये प्रोडक्ट्स यूज़ करने हैं। पहला प्रोडक्ट है वेस्टेज का डेटॉक्स फुट पैच। यह फुट रिफ्लेक्सोलॉजी पद्धति पर काम करता है। पैरों के तलवों के रास्ते शरीर के सारे टॉक्सिन, जिसे हम विषैले पदार्थ भी बोलते हैं, इन सभी को बाहर निकालकर शरीर को साफ करता है। शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाकर बीमारियों से बचाता है और नींद की गुणवत्ता को काफ़ी हद तक बढ़ाता है। यह हमारे रक्त संचार को भी मेंटेन करता है।
सोने से पहले अपने पांव पर डिटॉक्स फुट पैच लगाने से नींद के दौरान आपके शरीर से विषैले पदार्थ बाहर निकलते हैं। और अगर आप रात को डिटॉक्स फुट पैच अपने पैरों में लगाकर सोते हैं तो सुबह आप जब डिटॉक्स फुट पैच को अपने पैरों से उतारेंगे तो आप देखेंगे कि सफ़ेद कलर का डिटॉक्स फुट पैच अब काले रंग का हो गया है। और यह काले रंग के तत्व और कुछ नहीं बल्कि आपके शरीर में जमा हुए विषैले पदार्थ, जिन्हें हम टॉक्सिन्स भी कहते हैं, वे हैं जो कि आपके पैर के तलवों के ज़रिए आपके शरीर से बाहर निकल आए हैं। दूसरा प्रोडक्ट है वेस्टिज गैनोडर्मा। इसका विशेष गुण शरीर की कोशिकाओं को स्कैन कर खराब कोशिकाओं का पुनः निर्माण कर उन्हें क्रियाशील बनाना है, इसलिए इसे जड़ी बूटियों का राजा भी कहते हैं। यह हमारे पूरे शरीर को स्कैन करके उसमें पनपने वाले छोटे व बड़े विकारों को ठीक करता है, और जो कि एक अच्छी नींद दिलाने में काफ़ी लाभदायक। तीसरा प्रोडक्ट है वेस्टिज नोनी। नोनी सभी कोशिकाओं से सही कार्यकलाप कराने के लिए जरूरी है, और इसके कारण हमारे शरीर में भिन्न भिन्न प्रोटीन्स व हार्मोन्स अपना अपना काम सही तरीके से करते हैं। इसलिए हमारी बॉडी को एक अच्छी नींद दिलाने के लिए नोनी भी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रोडक्ट है। चौथा प्रोडक्ट है वेस्टिज फ्लैक्स ऑयल। फ्लैक्स ऑयल एक पौराणिक बीज का तेल है। पोषण विशेषज्ञों के अनुसार अच्छी सेहत के लिए फ्लैक्स ऑयल बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। शरीर की लगभग हर प्रणाली में, जैसे दिल की नसों, इम्यून प्रणाली, रक्त संचार प्रणाली, स्नायु प्रणाली और जोड़ों, इन सभी के लिए फ्लैक्स ऑयल बहुत ही फायदेमंद है। इसलिए हमारी बॉडी को एक अच्छी नींद दिलाने में फ्लैक्स ऑयल भी एक अहम रोल निभाता है। गर्भावस्था के दौरान और बाद में इन प्रोडक्ट्स को केवल चिकित्सक की सलाह अनुसार ही लिया जाना चाहिए, क्योंकि नोनी पोटेशियम का एक समृद्ध स्रोत है, इसलिए गुर्दा संबंधी बीमारियों में या गुर्दा संबंधी रोगी इसे ना लें। कंपनी द्वारा निर्धारित सामान्य डोज आपको इन प्रोडक्ट्स के पैकिंग बॉक्स पर देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा रोगी अपनी स्थिति के अनुसार चिकित्सक की सलाह पर भी इसे ले सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि इन प्रोडक्ट्स को यूज़ करने के बाद आपकी अनिद्रा की समस्या ख़त्म हो जाएगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करना, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। और सबसे ज़रूरी बात, अगली वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए ये हमें कमेंट करके बताएं।